नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप कुमार और हम पादप ऊतकों के बारे में पढ़ रहे थे जिसमें हमने मेरिस्टमेटिक टिश्यू कर लिया था। और इससे पिछले वीडियो में हमने जो थ्योरी थी मेरिस्टमेटिक टिश्यू से संबंधित जो थ्योरी दी गई थी उसमें पहली थ्योरी थी इस्ट्रोजन थ्योरी, उसके विषय में अध्ययन कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम ट्यूनिका कार्पस थ्योरी के विषय में अध्ययन करेंगे। ट्यूनिका कार्पस थ्योरी की बात करें तो यह सिद्धांत है वो सिमिट नामक वैज्ञानिक ने दिया था 1924 में, और ये मुख्य रूप से जो प्रो है शीर्ष है उस पर लागू होती है। इस सिद्धांत के अनुसार इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं देखने को मिलती है, एक तो ट्यूनिका और कार्पस। ट्यूनिका जो सबसे बाहरी परत होती है और उसके एक ही तल में अपनत्व विभाजन होता है और जिसके कारण जो शीर्ष का पृष्ठीय विस्तार कर क्षेत्रफल को बढ़ाती है, यानी कि ये कोशिकाएं अपनत्व विभाजन करती है और जिससे जो शीर्ष क्षेत्र है उसका पृष्ठीय विस्तार बढ़ता है, यानी कि क्षेत्रफल बढ़ता है। ट्यूनिका जब एक परतीय होती है, नॉर्मली क्या एक परतीय होती है, लेकिन जब ये बहुपरतीय होती है तो इस स्थिति में जो ट्यूनिका की सबसे बाहरी परत है वो तो एपिडर्मिस का निर्माण करती है और शेष परतें हैं वो कार्पस के साथ मिलकर दूसरे अन्य ऊतक का निर्माण करती है। ट्यूनिका का मुख्य कार्य देखें तो वो होता है अधिचर्म का निर्माण करना, यानी कि एपिडर्मिस का निर्माण करना। फिर नेक्स्ट आती है कार्पस। ये ट्यूनिका के नीचे स्थित कोशिकाओं का समूह होता है, बड़ी कोशिकाएं होती हैं साइज में, और इन कोशिकाओं में विभाजन होता है वो सभी दिशाओं में देखने को मिलता है, यानी कि सभी दिशाओं में इसमें विभाजन होता है। ये क्या करती है, आयतन में वृद्धि करती है। इसकी कोशिकाओं से वरण ऊतक तंत्र और सवन ऊतक तंत्र का निर्माण होता है, यानी कि कोर्टेक्स व रम्भ का निर्माण होता है। इसमें मुख्य बात याद रखनी है कि ट्यूनिका कार्पस की बात करें तो इसमें सिर्फ एक तल में विभाजन होता है, अपनत्व विभाजन देखने को मिलता है और ये केवल क्षेत्रफल में वृद्धि करती हैं। और कार्य हो गया इसका अधिचरम का निर्माण करना। कार्पस की बात करें तो इसमें बड़ी कोशिकाएं होती हैं और ये सभी दिशाओं में विभाजन करती है, ये आयतन में वृद्धि करती है और इनकी कोशिकाओं से वरण ऊतक तंत्र और सवन ऊतक तंत्र का निर्माण होता है। अब एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और है, वो है शांत केंद्र या क्यूसेंट सेंटर। शांत केंद्र या क्यूसेंट सेंटर की बात करें तो ये शांत बिंदु नामक क्लोज नामक वैज्ञानिक ने दिया था, क्लोज नामक वैज्ञानिक ने दिया था। शांत बिंदु को मक्का की जड़ में खोजा गया था, यानी कि शांत बिंदु को क्लोज नामक वैज्ञानिक ने मक्का की जड़ में सबसे पहले खोजा था और ये एकबीजपत्री पादपों में देखा गया था, यानी कि मक्का क्या एकबीजपत्री है तो ये नॉर्मली एकबीजपत्री पादपों में देखा गया था। ये मुख्य रूप से त्वचा जन या मूल गोपक जन के बीच में स्थित होता है, या सक्रिय विभाजोतक या मूल गोप के बीच में स्थित होता है, यानी इसकी स्ट्रक्चर देखें तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर हो जाएगी। यहाँ पे ये विभाजोतकी क्षेत्र हो गया और यहाँ पे होता है ये, यहाँ पे ये नीचे, सॉरी सॉरी, ये नीचे हम इस स्ट्रक्चर से देख सकते हैं। यहाँ पे बीच में यानी कि जो ऊपर वाला भाग है प्लूरोम पेरिबलम डर्मेटोजन, और ये बीच में जो डब्बे लाइक स्ट्रक्चर बना रखी है ये क्या है, क्यूसेंट सेंटर है। इसके नीचे क्लिप्ट्रोजन है जिसे गोपक जन बोलते हैं, उसके नीचे रूट कैप लगी हुई है। क्लोज के अनुसार विभाजोतकी क्षेत्रों के मध्य कुछ कोशिकाएं हैं वो निष्क्रिय कोशिकाएं होती हैं और इन इसी क्षेत्र को, निष्क्रिय कोशिका वाले क्षेत्र को इन्होंने शांत केंद्र नाम दिया। इसकी विशेषताएं, इनकी कोशिकाओं में डीएनए की मात्रा कम होती है, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया कम होती है, हल्का कोशिका द्रव होता है, केंद्रक छोटा होता है, कोशिका विभाजन है वो कम होता है इनमें, माइटोकॉन्ड्रिया व ईआर कम विकसित होती है, माइटोकॉन्ड्रिया व ईआर कम विकसित होती है। इसके अलावा एक फैक्ट और दे रखा है इसमें, वो ये है कि मूल शीर्ष के विभाजोतक में शांत केंद्र विभाजोतक की छत कोशिकाओं के प्रतिस्थापन हेतु भंडारण का कार्य करती है। कहने का मतलब ये है कि मूल शीर्ष में जो छत कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो कि खराब कोशिकाएं होती हैं, उनके भंडारण करने का कार्य वो शांत केंद्र के अंदर होता है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमने आज इस वीडियो में ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत और शांत केंद्र के विषय में पढ़ा है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसे लग रही है कमेंट जरूर कीजिए।